अब आपको बताएं जी, गवर्नर हाउस से खबर यह आई है कि पंजाब के बड़ों की मुलाकात, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात, पंजाब हुकूमत के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। मजीद जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताइएगा, बड़ों ने आज फिर सर जोड़े हैं। लियाकत अंसारी से भी तफसील आज जानेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नए साल का पहला दिन है और पहले ही दिन पंजाब के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। लाहौर न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। मुलाकात में अहम दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब में कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से किस तरह से नबर्द आजमा होना है, इसी मामले पर बात की गई है। साल नौ का पहला दिन और पहले ही दिन पंजाब के बड़ों ने सर जोड़े हैं। अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब हुकूमत के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। गवर्नर हाउस पंजाब के तीन बड़ों की मुलाकात हुई है। लियाकत अंसारी से मजीद जान लेते हैं। लियाकत अंसारी बताइएगा, साल का पहला दिन, बड़ी मुलाकात, एजेंडा क्या रहा? साल नौ के जो पहले दिन पंजाब के तीन बड़ों के गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब जो मोहम्मद सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर जो परवेज़ इलाही की मुलाकात में सूबे के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तीनों रहनुमाओं ने साढ़े नौ की एक दूसरे को मुबारकबाद दी और इस बात की दुआ की कि अल्लाह ताला इस नए साल को पाकिस्तान और पंजाब के लिए खुशियों का मरकज बनाए। और ये भी अहद किया गया कि तीनों बड़े जो है वो मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए जो है मिलजुल कर काम करेंगे और आईनी और कानूनी किरदार के अंदर रहते अपने मामलों को आगे बढ़ाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।